हेलो एवरीवन हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू ए टी पी स्टार कोटा होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए माई सेल्फ विनीत खत्री आई एम फाउंडर ऑफ ए टी पी स्टार कोटा एंड आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आई आई टी री की आई बिन टीचिंग इन कोटा सिंस लास्ट ट्वेल्व ईयर्स आई हैव टॉट लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंट्स थाउजंड आई आई टीज एंड टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द नेशन सो गाइज जैसा कि आपने सभी ने थमनेल में एंड टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जब स्टूडेंट क्लास टेन से इलेवंथ जंप करता है और एस्पायर करता है कि मुझे आईटीजी की या नीट की तैयारी शुरू करनी है तो उस दौरान बहुत एनर्जी उसके अंदर होती है बहुत एस्पिरेशन उसके अंदर होती है कि मुझे एम्स दिल्ली में ही जाना है मुझे आईआईटी रुड़की में या आईआईटी बॉम्बे में ही जाना है इस तरह से बहुत पैशन हमारे अंदर होता है लेकिन बहुत सारी गलतियां हमसे क्लास 11 में होती है जिस कारण आप सोचेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्लास इलेवन अच्छा नहीं जाता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्लास इलेवन वेस्ट हो जाता है तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पहले से ही गाइड करना चाह रहा हूँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं वो आप सभी को नहीं करनी है आप सभी ए टी हैं आप सभी फाइटर्स हैं आप ये गलती नहीं करोगे और अगर आप एक पेरेंट हैं और अपने बच्चे को गाइड करना चाहते हैं तो इस रिगार्डिंग आप गाइड भी कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहला जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं नॉट हैविंग द राइट माइंड सेट माइंड सेट की अगर मैं बात बोलूँ तो इसमें मल्टीपल पार्ट्स आ जाते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स सब सोचते हैं कि अब उनको बारह घंटे पढ़ना पड़ेगा चौदह घंटे पढ़ना पड़ेगा है ना उस कारण बहुत सारे स्टूडेंट हेल्थ का ध्यान नहीं देते अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते बहुत बार और स्लीप का ध्यान नहीं देते बहुत लेट लेट तक पढ़ते हैं ये ट्रेंड अच्छा ट्रेंड नहीं है ज़रूरी नहीं कि हम बहुत लेट तक पढ़ें हम प्रॉपर स्लीप साइकल को मेंटेन करें छः से सात घंटे हमें सोना ही होता है हमें हेल्थ का ध्यान भी देना चाहिए और एक कॉमन गलती क्या करते हैं ना स्टूडेंट जो है ना वो एक्सरसाइज जो है ना वो करना बंद ही करते हैं सोचते हैं कि यार फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ काम की नहीं है अरे भाई टाइम वेस्ट होगा ऐसा लगता है तो मैं बता रहा हूँ आपको टाइम वेस्ट नहीं है अगर आप सुबह सुबह सही टाइम पे उठ के रनिंग करते हैं एक्सरसाइज करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं योगा करते हैं थोड़ा बहुत 30 से 45 फाइव मिनट्स इवन वन आर इज़ फाइन इट्स अ जर्नी इट्स अ जर्नी ऑफ टू ईयर्स सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल ठीक है आपको अगर रोज़ एक्सरसाइज करोगे तो यू विल फील गुड एंड यू विल स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे आप में सारा दिन बहुत अमेजिंग एनर्जी मेंटेन रहने वाली है समझ रहे हो तो ये एनर्जी मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट बहुत बार मतलब uh, कुछ अच्छे स्टूडेंट एक्सरसाइज करते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हेल्थ पे स्लीप पे एक्सरसाइज पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जिस कारण उनका इम्यूनिटी डाउन हो जाता है हेल्थ डाउन हो जाता है बीमार पड़ जाते हैं और जो ये जर्नी होती है इस दौरान बीमार अगर पड़ते रहोगे तो आपका मोमेंटम बहुत क्रूशियल समय पर लॉस हो जाएगा इमेजिन द सिचुएशन आपका क्लास चल रही है सिलेबस फुल स्विंग पे है पर अगर आप पाँच दिन के लिए आपको बुखार हो गया परेशान हो गए तो उसको रिकवर करने में और भी समय लगता है क्लास में मन नहीं लगता है तो इसलिए टेक केयर ऑफ दिस अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है राइट right एनवायरमेंट आपके आसपास सही एन्वायरमेंट होना ज़रूरी होता है आपका फ्रेंड सर्कल बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि आप कहाँ स्टैंड करोगे तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा ही मस्ती करते हैं और बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो मोरलेस आप भी उन जैसे ही बन जाओगे तो इसलिए चूज योर सर्कल केयरफुली इट चेंजेस यू फॉर तो राइट right एनवायरमेंट बेहद इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक पेरेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी घर में जितना अच्छा मोटिवेटिंग एटमोस्फेयर रखेंगे उतना बच्चा बेटर करेगा लेकिन जितना टॉन्टिंग एटमोसफेयर होगा उतना स्टूडेंट इनफैक्ट अच्छा करने की बजाय वीक हो जाएगा और प्रेशराइज्ड फील करेगा तो मोटिवेशनल एटमॉस्फेयर घर पे होना चाहिए राइट right? तो ये आप समझ गए तो राइट माइंडसेट राइट एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू विल फील हेल्दी यू विल फील गुड एंड दैट विल चेंज योर गेम फॉरएवर नेक्स्ट YouTube स्टडी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं YouTube से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं या डिजिटली इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि सिर्फ YouTube से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड देर आर सो मेनी स्टोरीज आउट देयर कि हमने YouTube से ही पढ़ा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टूडेंट YouTube से ही आई टी या नीट को क्रैक करते हैं वो स्टूडेंट्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और नॉर्मली उनके पास सही गाइडेंस सही मार्गदर्शन होता है उनके घर में कोई बड़े भैया कोई मेंटर होते हैं जो लगातार उस जर्नी में उनको गाइड करते हैं तो ये ब्लेंडर मत करना कि ऐसी स्टोरीज को देख के उत्तेजित होकर अपना बहुत कीमती समय सिंपली यूट्यूब पर ही लगा देना बहुत ज़्यादा वेस्टेज है बिकॉज YouTube पे बहुत डिस्ट्रैक्शन है ठीक है कंटेंट अच्छा है टीचर्स भी अच्छे आपको मिलेंगे इवन आपकी कोचिंग से बेटर टीचर्स भी आपको YouTube पे मिल सकते हैं लेकिन इशू कहाँ फंसता है इशू यही रहता है कि सिर्फ वहीं पे पढ़ने से काम नहीं चलता बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है गाइडेंस uh, नहीं मिलती है डाउट सॉल्विंग नहीं होती है तो इसलिए डोंट बी जस्ट डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब है ना कभी कभी ओकेजनल हेल्प ले सकते हो ओकेजनल स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो बट नॉट मोर देन दैट इट right? बहुत सारे स्टूडेंट्स हजारों स्टूडेंट्स लाखों स्टूडेंट इस इस कारण अपना समय वेस्ट कर रहे हैं है ना तो पेरेंट्स आप भी ध्यान रखिए इस बात का कि बच्चा अननेसेसरी इसमें डिस्ट्रैक्टेड ना रहे क्योंकि फिर स्कोर नहीं आएगा इवेंचुअली मार्क्स नहीं आएंगे उसके अगली चीज टू मच थ्योरी टू मच थ्योरी एक, एक पॉइंट और याद आ गया तो सोचा ऐड कर लेता हूँ तो कॉमन क्लास टेंथ में गलती करते हैं स्टूडेंट पढ़ते हुए ना बहुत ज्यादा थ्योरी थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल पढ़ते रहते हैं है ना और प्रॉब्लम सॉल्विंग कम करते हैं यार देखो एप्लीकेशन जब तक नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा तो सिर्फ थ्योरिटिकल स्टडी मत करो प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू थ्योरी को जितना पढ़ोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा तो इसलिए टू मस थ्योरी पे फोकस मत करो फोकस मोर ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग अगली जो बहुत बड़ा ब्लंडर स्टूडेंट्स करते हैं वो है गलत कोचिंग चुन लेते हैं ठीक है ना यानी एग्जैक्टली exactly, जाँच ही परखी सही कोचिंग नहीं चुन पाते ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें वो सही से डिसाइड नहीं कर पाते राइट right? वैसे मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो बना रखा है कि हाउ टू तो चूज द बेस्ट कोचिंग आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बाकी मैं काम करता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे देता हूँ तो आप नीचे इस वीडियो को देख सकते हैं कि हाउ टू तो सेलेक्ट द बेस्ट कोचिंग क्योंकि देखिए कोचिंग करना हेल्पफुल हो सकता है और बहुत हेल्पफुल होता है लेकिन तभी हेल्पफुल होता है जब कोचिंग अच्छी हो जहां पे टीचर्स से लेके पूरा करिकुलम बहुत वेल डिजाइंड हो वही आपको हेल्प कर सकता है दूसरा ऑफलाइन ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बना रखा है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूं वहां से आप उनको वीडियोस को देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा हाउ टू चूज द राइट कोचिंग फॉर यू ओके बाकी आप सभी ए टी पी स्टार कोटा में वेलकम है यू कैन कम टू ए टी पी स्टार कोटा जहाँ पे आपको uh, मैं खुद भी गाइड कर दूँगा और पूरी टीम ए टी पी स्टार जो है वो मिलकर आप सभी को बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाली हैं फॉर आई टी जी एज वेल एज नीट कोचिंग हमारी क्लासेज ए टी पी स्टार कोटा में राजीव गांधी नगर कैंपस में चलती हैं और वही क्लासेज ऑनलाइन लाइव भी अक्रॉस द नेशन चलती है तो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट एडमिशन यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और यू कैन व्हाट्सएप हेयर एज वेल ओके अगली चीज़ टू मच मटेरियल होता क्या है जब हम टेंथ से एलेवेंथ में आते हैं तो हमें कोचिंग से मटेरियल तो मिलता ही है लेकिन उसके अलावा हम बहुत सारी बुक्स यूट्यूब के वीडियोस को देख के खरीद लेते हैं और या हमारे भाई बहन कजन्स अपने जो कोचिंग का मटेरियल है वो भी हमें दे देते हैं उस कारण क्या होता है इतना सारा मटेरियल होता है कि हमारे दिमाग में क्लटरिंग हो जाती है फोकस हमारा लूज़ हो जाता है और इवन हमें लगता है उससे फ़ायदा होगा लेकिन असल में वो नुकसान हो जाता है तो एक बात आप सभी ने सुनी होगी एक्सेस ऑफ एनी इज़ बैड ठीक है अब वही उतना ही पढ़े जितना आप रिवाइज कर पाए अगर हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो काम नहीं चलेगा तो अगला ये भी एक कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स रिवीजन में टाइम ही नहीं लगाते आगे चलते जाता है और पुराना भूलता जाता है मेक श्योर एवरी सिंगल डे आप रिवीजन के लिए टाइम स्पेंड करें दैट विल रियली हेल्प यू इन गेनिंग कॉन्फिडेंस तो रिविज़न पर टाइम एवरी डे कुछ समय निकालना है चाहे होमवर्क थोड़ा रह जाए कोई बात नहीं पर रिविज़न पर टाइम आपको लगाना है अगला प्रॉब्लम स्टूडेंट क्या फेस करते हैं जब शुरू में तैयारी शुरू करते हैं जैसे ये वाला टाइम आपका जो होगा ये बहुत ही एनर्जेटिक जोशीला होता है कि मैं ये कर दूंगा आईआईटी बॉम्बे ही जाऊंगा आईआईटी रुड़की ही जाऊंगा या मैं एम्स में जाऊंगा अरे भाई जोश होना अच्छी बात है लेकिन इस जोश को दो साल तक मेंटेन करना है इट्स अ लॉन्ग जर्नी इट्स अ मैराथन रेस नॉट अ हंड्रेड मीटर स्प्रिंट तो अगर जर्नी लंबी है यानी हमें सब्जेक्ट को इन्जॉय करना बहुत जरूरी है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जर्नी को इन्जॉय नहीं करते हैं? रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं दे ओवर थिंक अबाउट द कॉलेज अबाउट द रिजल्ट हमेशा उनके दिमाग में वही चलता रहता है तो ये बताओ अगर हमेशा सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचते रहोगे उससे लक्ष्य थोड़ी मिलता है लक्ष्य तभी मिलता है जब लक्ष्य के लिए हम एक्शंस लेते हैं लक्ष्य के बारे में सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है तो स्टूडेंट्स कीप ओवर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट अबाउट द कॉलेजेस विच दे माइट बी गेटिंग लेकिन उसमें टाइम वेस्ट करने की वजह से लक्ष्य मिलने के चांसेज और भी क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं घट जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप अ डीप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी डिपेंडिंग ऑन द जेई और नीट आप सभी आप समझ रहे हो कि इंटरेस्ट डेवलप करें अच्छे से डेवलप करें सेलेक्ट द राइट कोचिंग सेलेक्ट द राइट मटेरियल और जो कोचिंग में बताया जाए उसको आप बढ़िया से फॉलो कीजिए प्रॉपरली करिए राइट अगली चीज स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट जो है ना वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रॉपरली नहीं देते याद रखिए जब एग्जाम होता है तो नीट का तो अभी पेन एन पेपर होता है और जेई का सीबीटी बी फॉर्म में होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो वो रियल एग्जाम वाली फील जो है जब तक आपको नहीं आएगी आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो तो यू हैव टू गिव सी और पेन एंड पेपर टेस्ट प्रॉपरली है ना अगली चीज पीयर लर्निंग एंड पीयर कॉम्पटिशन इज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हम बहुत कुछ हमारे सर्कल से ही सीखते हैं राइट तो हमारा सर्कल जो है उसी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि यार इसका फिजिक्स अच्छा है कैसे सॉल्व कर रहा है तो पीयर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली जब ए स्टार कोटा में पढ़ने आए तो वो पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे थे और ऑफलाइन में उनको पीयर कॉम्पिटिशन से बड़ा अनइजी लगा कि यार यार यहाँ तो वीडियो को पॉज भी नहीं कर सकते भाई ये रियल लाइफ है रियल लाइफ में वीडियो को पॉज नहीं कर सकते रियल लाइफ चलती है तो आपको फोकस करना होता है और उनको ये भी दिक्कत आती है कि आसपास स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हैं कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा तो उनका पीयर टू पीयर इंट्रैक्शन बहुत कम हो गया था तो इसलिए उस जंजाल से निकले और पीयर लर्निंग इज़ द की टू इंप्रूव उसमें डरने की जरूरत नहीं है और डर के आगे सही में जीत होती है ओके गाइज सो so, That's it from my side from uh, ATP Star quota. Best wishes from our side and hoping that a journey में हम लगातार एक दूसरे के साथ रहेंगे. We'll keep on helping you. Hoping that ये video आपके लिए काफी helpful रहा होगा. तो comment section में ज़रूर बताइएगा. पसंद आया तो like ज़रूर करिएगा और channel को subscribe नहीं किया तो अभी कभी वो लाल button ज़रूर दबाइए. Bye bye, take care and best wishes.